हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2310, 1000, 1000 के नीचे आप क्या लिखोगे? टू, थ्री हंड्रेड, हंड्रेड के नीचे आप लोग क्या लिखोगे? थ्री एंड टेन, सेकेंड है आपका 24,000, 24,000, यहाँ पर आप जीरो लिख सकते हो, 24,400, हंड्रेड के नीचे आ जाएगा आपका फोर एंड टू, टेंस में आपका कुछ नहीं है तो जीरो, और वंस में क्या आ जाएगा आपका टू, 24,000, थाउजेंड के नीचे क्या आ गया आपका 24, 400, हंड्रेड के नीचे आपका फोर एंड टू, वंस के नीचे क्या आ गया आपका टू, 200, हंड्रेड के नीचे आ जाएगा आपका टू एंड 45, 200 एंड 45, यहाँ पर थाउजेंड में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया जीरो जीरो, आप प्लस करो, फाइव टू सेवन, फोर वन फाइव, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, टू प्लस फोर सिक्स, और टू का टू, आपका आंसर क्या होगा? 2695 7, नोट कर लो कॉपी में। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, ये नोट करो आप लोग। हाँ बेटा, नोट हो गया, रब कर रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, एट आपको डिजिट नंबर दिए हैं, इनको इन थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स टू गेट द सेम सम, आपको अलग अलग ऑर्डर में, डिफरेंट ऑर्डर में क्या करना है, इनका सम करना है। फर्स्ट नंबर है 2615 0, 2615 0, सेकेंड है आपका 3425,
और थर्ड है आपका 60275। टू सिक्स वन फाइव जीरो, थ्री फोर टू फाइव और 60275 प्लस करो, ये आपका ये वन तरीके से हो गया। आपको थ्री डिफरेंट ऑर्डर में इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो गया, सेकंड ऑर्डर में हम नंबर को चेंज कर देंगे, नंबर को नहीं नंबर के ऑर्डर को चेंज कर देंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे थ्री फोर टू फाइव, फिर हम लिख रहे हैं सिक्स जीरो, सिक्स जीरो टू सेवन फाइव, लास्ट में हम लिखेंगे टू सिक्स वन फाइव जीरो। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, एक ऑर्डर में मैं और लिख रही हूं, आप लोग जब तक प्लस करो। इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, 60275 को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, 60275, फिर लिखा हमने 26150 प्लस 3425। ये थ्री नंबर है, थ्री डिफरेंट ऑर्डर में हमने लिखे हैं और अब हम इनको प्लस करेंगे। एक मिनट बेटा, ये आपका वो अलग अलग नंबर है बेटा, एक सेकेंड। एक मिनट बेटा, ये वाला है ना आपके दो अलग अलग नंबर है, वो कॉमा जो लगा है वो थाउजेंड का नहीं है, ये दो अलग अलग प्लेस बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको फोर नंबर हो गए, फर्स्ट हो गया आपका 26 और फिर ये आपका 150। बुक में आप देखो उसको सही कर लो बेटा, बुक में कॉमा ऐसा लग रहा है, नंबर है 26 अलग नंबर है, वो 150 अलग नंबर है। अब हम इसको प्लस करेंगे, टू सेवन फाइव, यहाँ आप लिख लो 26 और यहाँ जाएगा आपका 150। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, वहां आप जीरो लिख लो, इससे क्या होगा आपको एड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 150 को हम नीचे लिख लेंगे, सिक्स जीरो टू सेवन फाइव, फिर हम लिखेंगे थ्री फोर टू फाइव, वन फाइव जीरो और लास्ट में लिखेंगे टू सिक्स। आप प्लस करो बेटा, दिख रहा है ना क्लियर? फाइव फाइव प्लस टेन, टेन में सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स वन हो गया आपका कैरी, फाइव टू सेवन, सेवन वन एट, एट प्लस टू टेन, टेन और सेवन सेवनटीन, सेवन वन कैरी, वन वन टू, फोर और टू सिक्स, सिक्स टू एट थ्री और सिक्स, क्या आएगा आपका आंसर? सिक्स थ्री एट सेवन सिक्स। यही चीज यहाँ पर प्लस करो, ये प्लस करो, प्लस करा आपने, प्लस करा तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा आपका, सिक्स थ्री एट सेवन सिक्स, नीचे भी यही आएगा सेम आंसर, सिक्स थ्री एट सेवन सिक्स, ये नीचे वाला और देख लो आप लोग। देखो नीचे की डिजिट और देख लो बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट। सेम ऐसी बी वाला है, बी वाला आप लोग घर पे करोगे, कोई प्रॉब्लम जाएगी तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट डे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट, एट ये भी आप लोग बुक में सॉल्व कर सकते हो, बुक में स्पेस है वहीं पे आप सॉल्व कर लेना। करना स्टार्ट करो, ये वाला हो जाए नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर एट, कुछ नहीं करना है आपको, ओनली प्लस प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर एट का ए कर रहा बेटा,
ये तो हो गया, मैं इसे रब कर दे रही हूँ। Three 7 3 1 6 आपको प्लस करना है 2 6 7 3 प्लस करा बेटा, क्या आएगा आंसर? थ्री नाइन नाइन एट नाइन। नोट कर लो बी सी डी बेटा सेम ऐसी है, ये आप घर पे करोगे। इसके बाद है नाइन का है, नाइन टेन दोनों क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ओनली एट करना है। 4 3 2 6 2 1 5 8 3 2 5 0। यहाँ भी आपको प्लस करना है, या नहीं आपको लग रहा है तो आप यहाँ 0 लगा लो और प्लस कर दो। क्या आएगा आंसर? 8 9 8 9 7। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का ए वाला करो आप। 10 का आंसर क्या आया बेटा? 9 9 8 9 8। आंसर चेक कर लो, 9 9 8 9 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बुक में होगा, फिर आपके पास बार बार वही क्वेश्चन होता है मैम कहाँ करना है। ठीक है, यहाँ आपको अलग दिख रहा है कि बुक में स्पेस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप लोग काय में करोगे? नोटबुक में। क्वेश्चन क्या है आपका बुक में देखो, 6 4 2 1 0 comma 1 0 3 1 5 एंड 5 1 2 4 6 3। इन तीनों नंबरों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अभी अपन ने इतने सारे ऐड करे, सेम ऐसी कैसी ये 11 वाला भी है, करना स्टार्ट करो। पहला है आपका 6 4 2 1 0, फिर है आपका 1 0 3 1 5, और फिर नेक्स्ट है आपका 5 1 2 4 6 3। प्लस करो,
आंसर क्या रहे आपका 586988, नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2,20,111 वर्ड्स में दिया है, फर्स्ट आप क्या करोगे, डिजिट में चेंज करोगे नंबर को, और फिर उसमें भी आपको क्या करना है, तीनों नंबर को ऐड करना है। ये वाला हो गया, मैं रब कर रही हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, 2 लाख, लाख के नीचे क्या आ जाएगा आपका, 2, लाख के नीचे आ गया आपका 2, 2,20,000, थाउजेंड के नीचे क्या आ जाएगा आपका 20, 100, 100 के नीचे आ गया आपका 1 and 11, 2,20,111, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर है आपका 7 लाख, लाख के नीचे आपने लिख दिया 7,5,000, ओनली 5,000 है तो 10,000 में हमने क्या लिखा, 0, 1,000 के नीचे लिख दिया हमने 5, 200, 100 के नीचे हो गया आपका 2, 83 हो जाएगा आपका 83, 7,05,283। नेक्स्ट है आपका 62,000, 1,000 के नीचे आपका क्या हो गया 62, लाख में कोई नंबर डिजिट नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, 62,400, 100 के नीचे क्या लिखा आपने 4 and 4, यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका 4, करो प्लस करो। फोर 3 7 7 1 8, चेक करो आंसर, 8 1 9 4 2 6 6 1 7 5 2 7 6 2 8 और 7 plus 2 9, आपका आंसर क्या आया 9 8 7 7 9 8, आंसर चेक कर लो, जिनका आंसर गलत है वो आंसर सही कर लेना, 9 8 7 7 9 8।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम। ये लास्ट क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 4B। कर लिया बेटा ये? टू थ्री टू फाइव जीरो, टू थ्री टू फाइव जीरो, फोर वन, वन टू सेवन, और इसमें आप प्लस करोगे 15, फोर वन टू, प्लस कर लो, सेवन टू नाइन, फाइव टू सेवन, सेवन वन एट, फोर टू सिक्स, सिक्स वन सेवन, थ्री वन फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, फोर टू सिक्स, सिक्स वन सेवन, क्या है आपका आंसर? सेवन नाइन सेवन एट नाइन, क्या आंसर जरूर लिखोगे कॉपी में? सेवन नाइन सेवन एट नाइन। सेम ऐसी बी और सी वाले भी है, हमको ऐड करना है या बाद में घर पे कर लोगे? नोट कर लो इसको, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 4B। 4B भी सेम ऐसी है, 4A जैसी, इसमें भी आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऐड करने के। अगर ये ऊपर वाले क्वेश्चन आपसे घर पे हो जाए तो ये कर लेना, कुछ नहीं करना है। 4B में क्वेश्चन 1 ऐड करना है, सेकंड में भी ऐड करना है, थर्ड में भी करना है, फोर्थ में भी ऐड करना है, ठीक है? ये आपका वर्क है आज का। हाँ निधि मैम। यस मैम, कोई क्वेरी पोर्शन ले लूं? हाँ हाँ ओके। फर्स्ट नितिका मंगल। हेलो नितिका। हेलो मैम। यस बेटा बोलो। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैम मेरे जो थर्ड ए है ना मैम, उसमें मेरे गलती से ना मेरा थर्ड ए में फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन छूट गए, तो मैं कैसे करूँ उनको आगे पीछे करके कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, थर्ड ए जब जहाँ कंप्लीट हो उसके बाद एंडिंग में आप ये वाले क्वेश्चन कर लेना। मैम जैसी फोर्थ भी खत्म हो जाए सोई में कर लूंगी। तो भी मतलब आपने उस समय वहां छोड़ दिया, स्पेस नहीं है वहां पर? हाँ मैम। तो एक मैम अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके फोन में नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज तो क्लियर है, मुझे आपकी भी क्लियर सुनाई दे रही है। आप एक काम करो, एक पेज लेके जहाँ पे थर्ड ए कंप्लीट होती है वहां पेश कर लो और उस पेज में कर दो, ठीक है? नहीं मैम, मैंने मैम तो उस पे फिर थर्ड भी कैसे, थर्ड भी तो कवर हो जाएगा ना? नहीं होगा बेटा, आप ऊपर से करना ना, ऊपर यहाँ से। अच्छा मैम, यहाँ से पेस्ट करना। हाँ बीच में नहीं करोगे, बीच में करोगे तो पूरा हो जाएगा, आप बस यहाँ से उसको पेस्ट कर देना तो वो ओपन भी हो जाएगा और आपका नीचे को भी दिखाएगा। ओके मैम, ओके मैम। आप छोड़ कैसे देते हो बेटा, जब कंप्लीट करा करो एक बार अच्छे से देख लिया करो। हेलो काव्य। हेलो मैम। बेटा मैम हमारा सेवंथ वाले का सी सूट गया है, सी। तो अब आप पीडीएफ जाओ, ई क्लासरूम में पीडीएफ में देख लेना, अभी अपलोड नहीं किया है, कंप्लीट होने के बाद मैं अपलोड करूंगी, तब आप पीडीएफ में देख लेना या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछ लो। और मैम ये एक चीज पूछनी थी, जो आपने फोर्थ ए का 12 वाला पार्ट होमवर्क में दिया है,
इसके बेटा बी और सी सब में यही ऐड करना है। ये वाला आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे सेम ऐसी बी और सी है, वो आप लोग घर पे कर लेना। ओके मैम। नेक्स्ट पार्ट मैम। हाँ मैम, ये जो 11th वाला क्वेश्चन है ना ऐड। हाँ मैम, इसमें तो स्पेस है ही नहीं, तो कॉपी में होगा ये तो। बेटा आप लोग क्या सुनते हो, मैं जब स्टार्ट करवाती हूँ तभी बोलते जाती हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही मैं बता देती हूँ बेटा आपको कि बुक में करना है या कॉपी में करना है, यहाँ स्पेस नहीं है, ये तो आपको नोटबुक में करना है। और मैंने स्टार्ट करने के पहले ही बोला है आपसे कि अब आपके जो नीचे के क्वेश्चन है वो सब आपके नोटबुक में होंगे। ये वाला जो एड है ना, ये वाला 11th वाला। हाँ ये बेटा कॉपी में होंगे, बुक में स्पेस कहाँ है, आप कहाँ करोगे। 11 क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका नोटबुक में होगा, बुक में नहीं होगा। नेक्स्ट माधव। हेलो माधव। हेलो मैम। यस मैम, मैं कह रही थी इसका पहले जो वैकेशन से पहले आपने कराया था इसका हुआ नहीं है अभी तक। हुआ नहीं है तो आप लोग ई क्लासरूम में लेसन वाले पे जाओ, पीडीएफ वहाँ अपलोड है उसमें से आप। तो मैम ये हमें कैसे पता चले कि कौन सा बुक में करना कौन सा कॉपी में करना ये। अब ये तो आपने छोड़ क्यों दिया बेटा, काफी टाइम हो चुका है, मैडम जब पढ़ाती है स्टार्टिंग में ही बोलते जाती है, उसके बाद आपका समर वेकेशन का टाइम भी चला गया। अब आप ऐसा कीजिए जिसका स्पेस हो बुक में वो बुक में कर लो, और जहाँ आपको दिख रहा है कि बुक में स्पेस ही नहीं है तो वो आप नोटबुक में करना। अच्छा, जो पीडीएफ में आपने जो जो कराया है वही वही कराने, और बाकी जो एक दो तो आपने छोड़ भी दिए हैं वो नहीं कराने। वो आप करवा लो, सेम एक जैसे क्वेश्चन होते हैं तो पूरे पूरे नहीं करवाते, छोड़ते जाते हैं, तो वो आप लोग बच्चों से प्रैक्टिस के लिए घर पे करवा सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। विशा। हेलो मैम। यस मैम, हमें बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, तेज बोलो। हेलो हेलो मैम, बेटा नहीं आ रही है आवाज आपकी। हेलो नव्या। मैम। यस मैम, हमारी कल की क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी मैथ्स की। क्यों मैम? इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हमको कुछ समझना है तो अटेंड भी नहीं हो पाई थी, इसलिए हमारा कल का काम रह गया है। कल का काम रह गया है तो बेटा अपने फ्रेंड से पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में जब पीडीएफ अपलोड होगी आप उसमें से कर लेना। और मैम हमारी ये पोर्टल ऐप खुल नहीं रही है। पोर्टल उसमें बेटा आपका वो था ना नंबर, आप अपना नेम डालोगे, नेम डालोगे तो उसमें फिर ओटीपी नंबर आएगा, वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। मैम वो तो खुल रहा है लेकिन पोर्टल नहीं खुल रहा। पोर्टल नहीं खुल रहा है मैम? नहीं खुल रहा, हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं नहीं खुलता है, रीट्राई लिखा आता है। तो अब एक काम कीजिए, आप स्कूल में एक बार कॉल कीजिए, ठीक है बेटा? वैसे ओपन हो रहा है बेटा, काफी बच्चे देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आप एक दो बार और उसको करना कोशिश और ट्राई करना, और नहीं भी होता है तो फिर आप एक बार स्कूल में बात कर लेना।